हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सीरीज का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो हम सीखेंगे कि एक्सेस एसीएल कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम एसीएल सपोर्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए कमांड एग्जीक्यूट करते हैं boot config pipe grep acl। तो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है कि एसीएल इसमें सपोर्ट है। ठीक है, और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि एसीएल के जो रिकॉर्ड पैकेज हैं वो इसमें इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए कमांड एग्जीक्यूट करते हैं rpm hyphen qa space pipe grep acl। तो देखिए यहां पर ACL के जो रिक्वायर्ड पैकेज हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो इंस्टॉल तो आपको यम सर्वर के थ्रू या फिर RPM कमांड के थ्रू सबसे पहले ACL के पैकेज रिक्वायर्ड पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं और उसके बाद ही आप ACL को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यूजर एड, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री। ठीक है, और एक डायरेक्टरी और ग्रुप चेक कर लेते हैं कि ग्रुप कौन कौन से अवेलेबल हमारे पास ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप वन, ग्रुप टू, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर ग्रुप वन का भी कोई भी मेंबर नहीं है। ठीक है, अब मैं यूजर वन और यूजर टू को ग्रुप वन का मेंबर बना देता हूं। ठीक है, जी पास डब्ल्यू डी स्पेस हाइफन एम यूजर वन कॉमा यूजर टू स्पेस ग्रुप वन। ठीक है, अब चेक कर लीजिए। तो देखिए यहां पर यूजर वन और यूजर टू ग्रुप वन के मेंबर बन चुके हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूं, cd /etc/mysolutions। क्लियर, यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ माई एसीएल। ठीक है, और उसके बाद इसमें मूव करता हूँ माई एसीएल ls-l। ठीक, और यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir abc। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर abc पर अभी कोई भी acl कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम acl कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यूजर वन के लिए। यूजर वन को मैं abc डायरेक्टरी पर फुल परमिशन असाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी हम जो ACL कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो एक्सेस ACL है। ठीक है, दो तरह की ACL होती है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक्सेस ACL और डिफॉल्ट ACL। एक्सेस ACL फाइल और डायरेक्टरी दोनों पर अप्लाई होती है और इम्प्लीमेंट होती है, और डिफॉल्ट ACL केवल डायरेक्टरी पर अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूजर वन के लिए ABC पर डायरेक्टरी पर एक्सेस ACL कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, और मैं फुल परमिशन असाइन करना चाहता हूं ABC को। तो उससे पहले इसके जो करंट ACL कॉन्फ़िगर है कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक कर लेते हैं कि अभी इसको करंट परमिशन क्या है ABC डायरेक्टरी पर। ठीक है, तो उसके लिए आपको करंट ACL चेक करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है गेट FSCL ठीक है स्पेस डायरेक्टरी नेम, या जिस फाइल के आप ACL चेक करना चाहते हैं उस डायरेक्टरी फाइल का नेम आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है कि फाइल का नाम है ABC, ओनर है उसका रूट और ग्रुप है उसका रूट, यूजर को परमिशन है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ग्रुप को परमिशन है रीड एंड एग्जीक्यूट, और अदर यूजर्स को उस पर परमिशन है रीड एंड एग्जीक्यूट। यानी ओनर को फुल परमिशन है, वो कुछ भी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है इस डायरेक्टरी कंटेंट। ठीक है, अब मैं यूजर वन को ABC डायरेक्टरी पर फुल परमिशन असाइन करना चाहता हूं। ठीक है, जो नहीं तो इस डायरेक्टरी का ओनर है और नहीं इस ग्रुप का मेंबर, रूट ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो अब मैं इसको परमिशन असाइन कर रहा हूं सेट FSCL स्पेस हाइफन एम, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक यूजर को ये परमिशन किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए हम ACL कॉन्फिगर कर रहे हैं। इसके लिए आपको रूल क्रिएट करना है u: यूजर नेम, यहाँ पर आप यूजर नेम या फिर यूजर की आईडी आप यूज कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी परमिशन आप असाइन करना चाहते हैं उस डायरेक्टरी पर वो आपको टाइप करनी है। ठीक है, और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नेम। तो देखिए यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है,
और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कुछ चेंज दिखाई दिया, प्लस एड हो चुका है, ठीक है, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये प्लस ये बता रहा है कि इस डायरेक्टरी पर ACL कॉन्फिगर हो चुका है, ठीक है। अब हम ACL चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कॉन्फिगर किया है। तो देखिए यहाँ पर यूजर वन को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन हो चुकी है इस पर, ठीक है। उसी तरह अगर आप ग्रुप के लिए ACL क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना सेट FACL स्पेस -n जी ग्रुप नेम, जैसे मैं ग्रुप वन को असाइन करना चाहता हूं, ग्रुप वन और परमिशन में असाइन कर रहा हूँ रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। जो भी परमिशन आप असाइन करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नेम, ठीक है। फिर से चेक कर लीजिए गेट FACL स्पेस ABC। तो देखिए यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है कि ग्रुप वन को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन हो चुकी है ABC डायरेक्टरी पर, ठीक है। यानी ग्रुप वन को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है ABC डायरेक्टरी पर। जो भी ग्रुप के मेंबर होंगे ग्रुप वन के, उनको भी रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन होगी ABC डायरेक्टरी पर, ठीक है। अगर आप ऑल अदर यूजर्स यानी उन यूजर्स के लिए परमिशन सेट करना चाहते हैं जो इस डायरेक्टरी के न तो ऑनर है, नहीं ग्रुप है, और जिस ग्रुप को इस डायरेक्टरी परमिशन है उस ग्रुप के मेंबर भी नहीं है, यानी अदर यूजर्स को आप परमिशन सेट करना चाहते हैं, ठीक है, ACL कॉन्फिगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा। जैसे हम कॉन्फिगर कर रहे हैं यूजर टू के लिए, ठीक है, तो यूजर टू अदर यूजर्स में आएगा, ठीक है। अभी आप यूजर टू केवल यूजर टू के लिए अगर कॉन्फिगर करना चाहते हैं तो जैसे हमने यूजर वन के लिए ACL कॉन्फिगर किया था वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी ऑल अदर यूजर्स के लिए, ठीक है, ACL कॉन्फिगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा सेट FACL -n ओ डबल कॉलन और परमिशन जो भी आप असाइन करना चाहते हैं और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नेम, ठीक है। तो ऑल अदर यूजर्स को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन हो चुकी है, ठीक है। ऑल अदर यूजर्स में कौन आएगा, जो न तो इस डायरेक्टरी का ओनर है और न ही इस ग्रुप के मेंबर, जैसे ABC डायरेक्टरी है उसका जो ओनर है वो रूट है और उसका ग्रुप है रूट, ठीक है। और उस पर हमने एक ग्रुप और इम्प्लीमेंट किया था, ग्रुप को परमिशन असाइन की थी ग्रुप वन, ठीक है। तो ग्रुप वन रूट ग्रुप और रूट यूजर के अलावा जितने भी यूजर्स हैं, ठीक है, वो यूजर ऑल अदर यूजर्स में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कमांड हमने फिर से एक बार एग्जीक्यूट कर दिया था गलती से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप वन को RWX और ऑल अदर यूजर्स को भी यहाँ पर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन हो चुकी है। पहले जो परमिशन थी वो रीड एंड एग्जीक्यूट की थी, अब हो गई है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इस तरह आप ऑल अदर यूजर्स के लिए एक्सेस ACL कॉन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी यूजर स्पेसिफिक के लिए या फिर किसी ग्रुप स्पेसिफिक के लिए या फिर ऑल अदर यूजर्स के लिए एक्सेस ACL कॉन्फिगर कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफॉल्ट ACL कॉन्फिगर कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।